अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, आप लोगों के सामने हैं और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, बच्चियां भी हो गई हैं रेडी। मोहम्मद साहब नहीं जा रहे हमारे साथ, मोहम्मद साहब जो है वो रहेंगे अदील के साथ, क्योंकि अदील भी थके हुए हैं। तो अदील और मोहम्मद करेंगे रेस्ट यहीं होटल में ही, और मैं और मेरी बच्चियां जा रही हैं फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में, जो मैंने बताया था कि हमने जो है ना रियाज में मेरी जो फ्रेंड्स हैं सारी उनके साथ मैंने रखा हुआ है मीटअप। तो बस उनके साथ इंजॉय करेंगे गेट टुगेदर और पार्टी। तो वहाँ पहुँच के भी मैं आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी, शायद मैं वहाँ रिकॉर्डिंग ना कर पाऊँ ज़्यादा, जितनी भी करूँगी शॉर्ट में वो आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा दूँ। ये देखिए, ये उस दिन मैंने सेल में से लिया, जो कि सेल लगी हुई थी रियाज के रास्ते में आने से पहले, वहीं का ड्रेस है। और ये मुझे ड्रेस मिला है 140 का, और जो बाकी जो ड्रेस है मैं वो अभी टाइम है नहीं मेरे पास दिखाने का, तो वो मैं आप लोगों को आराम से तसल्ली से बैठ के सारे सूट अपने दिखाऊंगी। ये जो मैंने पहना तो अदील साहब को बहुत पसंद आया है, और अदील साहब अभी गए हुए, मैं जिनके घर जा रही हूँ तो वहाँ मुझे कुछ ना कुछ लेके जाना है, तो अदील साहब लेने गए हैं वहाँ के लिए गिफ्ट स्वीट में या कुछ भी वो ले आएंगे, तो मैं वो ले जाऊंगी। तो बस ये जो है ना, ये देखिए अदील साहब को इतना पसंद आया कि अदील साहब यही कह रहे हैं कि वापसी में अगर सेल हुई तो एक दो सूट और उठा लेना, मुझे इतनी अच्छी ऑफर मिल गई इस सूट की बुनियाद पे। ये देखिए, ये असल में मैं पहनती हूँ ढीले ढाले कपड़े, मुझे टाइट कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद और मैं पहन भी नहीं सकती। मैं पहनती हूँ, हालांकि मुझे मीडियम भी आ जाता है, मुझे स्मॉल साइज़ नहीं आता है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है, मीडियम मेरा साइज़ है, लेकिन मैं लार्ज ही पहनती हूँ। और ये लार्ज ढीला ढाला, ये देखिए, और कुर्ता स्टाइल है जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही लाइट वेट है इस सूट का। अच्छा जी, इनाया उठ के अपना फ्रॉक दिखाइए। ये इनाया का फ्रॉक है, और ये जो है फेरी आंटी ने कराई थी शॉपिंग, है ना, और जैनब को भी फेरी आंटी ने कराई थी शॉपिंग, और इनाया ने पहना हुआ है मम्मा की शॉपिंग का। तो बस ये देखिए, ये है इनकी ड्रेसिंग, और ये मेरा मासूम बच्चा। तो अभी बस निकलने का जी 4 बजे का टाइम था, और टाइम मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना हो चुका है। ये देखिए, ये हो गया टाइम। यस, तो बस अभी निकलने की ही कोशिश है, बस मैं अभी माया पहनूंगी, तो बस वहाँ पहुँच के वीडियो शेयर करती हूँ। आप ले आए, आपने लिया क्या है? क्या लिया है? केक लिया है। अच्छा, चलो अच्छा हुआ, मेरा इरादा यही था कि अदील अला करे केक ही लेकर आए, लेकिन इनको मिल गया, ढूंढ के लेकर आ गए, और हम रेडी देर बहुत ज्यादा हो गई है। मोहम्मद पापा के साथ रेस्ट करेंगे। शॉपर अपने हाथ में रखो, अंदर बैठो, आराम से वन बाय वन। चलो जी, चलो आशा, इनाया, जैनब, चले, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो चलो,
इनका गावा भाई, इनका गावा ही तो हमें जद्दा से ना रियाद खींच के आया है। अच्छा जी, मैं मिलवाती हूँ आपको। मैं जैसे ही इंटर हुई हूँ यहाँ पे, तो मेरी ऑलरेडी एक फ्रेंड बैठी हुई थी और वो वेट कर रही थी, अभी बाकी लोग आए नहीं, तो मैं इनसे मिलवा देती हूँ। इनका भी चैनल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत अरसे बाद हम मिले हैं। हाँ। मेरे ख्याल से 90 डेज बाद, मैं यहाँ से शिफ्ट हुई हूँ तो उसके बाद जो है ना हम अब मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। इनके चैनल का नाम है ममूना आमिर, तो आप लोगों ने जाके इनकी सारी वीडियोस देखनी है, लाइक भी करने है, कमेंट्स भी करने है, और सब्सक्राइब तो आप करते ही हैं और आपने करना है लाजमी। ये बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं। आप लोग जाइएगा और रियाद आप लोगों को इनके वीडियोस में देखने को मिलेगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती हैं। और मेरी वहाँ पे और भी बहुत सारी फ्रेंड्स है जो आपने मेरे कैसे वीडियो डाली हुई है ना, यस, तो बहुत जल्दी से आप लोग जाइए और देखिए आप लोगों को वहाँ पे भी, वहाँ पे भी वीडियो देखने को मिलेगी जो मैं यहाँ हूँ यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ, तो इनके चैनल पे भी आप लोगों को मिलेगा देखने को। बहुत कुछ थैंक यू। आशा इनाया का फ्रेंड दाऊद साहब, भाई मैं तो हर बच्चे के नाम के साथ साहब लगा देती हूँ, हैं हैं दाऊद। अस्सलाम वालेकुम, बोलो बोलो। अस्सलाम वालेकुम। और छोटा भाई कहाँ है आपका? वो उनको भी, ये भी मेरी वीडियोज बड़े शौक से देखते हैं दाऊद साहब। सारी फ्रेंड्स आ चुकी थी और हमने काफ़ी गपशप की थी, और जी बच्चे खेल खेल के आपस में काफ़ी थक गए थे, बच्चों को लग गई थी भूख, तो हमने खाना ओपन कर लिया था। यहाँ आप लोगों को काफ़ी डिफरेंट और प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी डिशेस आपको नज़र आ रही होंगी। हमने की थी वन डिश, तो सबके हाथों की यहाँ एक एक डिश रखी हुई है और सबका खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था। नो डाउट मुझे भी लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख और हमने काफ़ी पेट भर के और मज़े से खाया खाना, और खाना सबका बहुत अच्छा था। अल्लाह ताला सबके रिजक में खैर और बरकत आफियत थे, अल्लाह ताला सबको ढेरों खुशियां दे। वंस अगेन मैं सबका जजाकल्ला खैर बोलूँगी, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे। ये दूध वाली है, यहाँ रेडी हो रही है पुदीने की चाय। भाई रिज़्क़ हलाल कहीं से भी कमाया जाए, इसमें मेहनत नहीं लगती क्या? मुझे लगता है इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, एडिटिंग करना सब कुछ करना। हाँ ये देखिए हम माशाल्लाह कितने भूखे थे, हमने कुछ नहीं छोड़ा और हम एंड तक भी खा रहे। जी मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया और मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू रबिया। खुशबू बहुत प्यारी है, बहुत ही हसीन खुशबू है, बहुत पसंद आया मुझे। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके रिजक में खैर बरकत अता फरमाए और आपकी जो है ना बेटियों के नसीब रोशन करें, आमीन। पार्टी शुरू हुई थी 5 बजे और अभी 12 बज चुके हैं, तो बस हमें गपशप बहुत ज़्यादा हमने की। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं कि जिन्होंने मेरे लिए इतना टाइम, अपना कीमती टाइम मेरे लिए निकाला और मुझसे मिलने आए और हमने जो है ना गेट टुगेदर किया। खाने बहुत मज़े के थे, सबके हाथ में जायका, सबके खाने VIP बने हुए थे, बहुत ही टेस्टी खाने थे, सबके खाने जो है ना मुझे बहुत पसंद आए और हमने बहुत ज़्यादा भी खाया माशाल्लाह। बच्चों ने भी खाना इंजॉय किया, बच्चों ने भी माशाल्लाह पेट भर के खाया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका तहे दिल से जजाकल्ला खैर मैं बोल रही हूँ, और अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ों में खैर व बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपकी औलादों को आपकी आंखों की ठंडक बनाए रखे, आमीन। और बस हमने यानी कि पार्टी हमें ख़त्म करनी पड़ी, हमें अपने गपशप जो है ना ख़त्म करनी पड़ी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और बातें हमारी ख़त्म नहीं हो रही थी, तो बस काफ़ी अरसे बाद मिले थे इस वजह से। तो बस आज का व्लॉग करूँगी यहीं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके।
अल्लाह हाफिज़।